हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या फिर इसको मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस आपके पर्टिकुलर टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। पर्टिकुलरली अगर आपको ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो या और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो आप परचेज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बात सेम ही है क्योंकि उसके दो नाम हैं। सो 1962 to 1953 ये कमीशन है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन, वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जितने भी कमीशन्स पॉलिसीज हैं वो बेसिकली सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट फॉर्मुलेट की जाती हैं इन टर्म ऑफ देयर रेजोल्यूशन टू ब्रिंग चेंजेस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, कोई भी पॉलिसी या कमीशन आता है तो वो बेसिकली क्यों आता है, जो प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम होता है, जो चल रहा होता है एजुकेशन सिस्टम, उसमें कमियां देखने को मिलती हैं या उसकी कमियों को देखा जाए और उनमें चेंजेस आए, इसलिए ये कमीशन्स एजुकेशन पॉलिसीज जो आती हैं वो इसलिए लाई जाती हैं। तो ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो भी इसलिए आया था ताकि जो चेंजेस हैं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, उस समय में 1662 और 1953 के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे, उस समय के हिसाब से आपको सोचना है कि उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें चेंजेस आ पाए एंड मेक इट बेटर फॉर द नेशन। और जो देश है, देश के लिए एजुकेशन को, एजुकेशन के पैटर्न को और अच्छा बनाया जा सके। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास कम्युनिटी। अब देखिए, मुदालियर कमीशन का नाम मुदालियर क्यों पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की जो टीम थी ये मेन थे और जो वाइस चांसलर भी हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के, इनके द्वारा ही फॉर्मुलेट अपॉइंट किया गया था, नॉट अपॉइंट बट बनाया गया था मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, जो कि अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो नाम जरूर आपको मेंशन करना है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इम्पॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमको समझ तो आ गया पर एग्जाम में कैसे लिखें। देखिए, जितने भी मैं आपको पर्टिकुलरली नोट्स दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में तो वो आप वैसे ही अटेंड करें, आपको अपने खुद से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ जितना मैं आपको दिखाती हूँ, जितना बताती हूँ उतना अगर आप लिख देते हैं तो 16 में से आपको 12 प्लस मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अदरवाइज कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो पैराग्राफ में आंसर्स लिख देते हैं तो वहाँ पे बहुत बोरिंग हो जाता है आंसर को चेक करना। और देखिए, कोई भी एग्जामिनर हो तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे पॉइंट्स में और टू द पॉइंट आंसर लिखें। जो आपकी मेन हेडिंग है उसको बोल्ड से लिखें, अलग से हाईलाइट करें, देन जितनी भी डेफिनेशंस या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डेफिनेटली हाईलाइट करें। अगर आपके एग्जाम में अलाउड है ब्लैक पेन को यूज़ करना तो ब्लैक पेन यूज़ करें, पेंसिल से अंडरलाइन करें, वरना आप देखिए लिखने के बाद आप पेन से ही हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर पेंसिल से अंडरलाइन करके हाईलाइट ज़रूर करें पॉइंट्स को। तो ये बहुत अच्छे एक प्रेजेंटेशन का तरीका है और प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको मिलते हैं डेफिनेटली हर एक आंसर में, तो ट्राई करें अच्छे से आप आंसर को अटेंड करें। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को चेंज थी कि उसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो पाए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम आ पाए। देखिए, एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी कंट्री को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला तो पहले तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हैट्स ऑफ है, और प्लस उन्होंने
सिर्फ इसी चीज के लिए संघर्ष किया कि हमारी देश को किसी भी तरह आजादी मिल जाए। आजादी मिलने की बाद की चीजों को सोचना उस वक्त पर पॉसिबल नहीं था। अब वो आजादी मिल तो गई, पर उस आजाद देश में अब एक सिस्टम बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एजुकेशन पर्सपेक्टिव उसमें देखना, बाकी फूड देखना, इकोनॉमी देखनी, कंट्री की बहुत चीजें, कंट्री को पहचान देना नहीं वर्ल्ड में, सभी लोगों को देखना, बेरोजगारी देखना जो एक भुखमरी देश में थी वो सब देखना, तो ये बहुत मुश्किल था। और उस वक्त पर आप सोच सकते हैं कि भारत की कंडीशन कैसी होगी। तो धीरे धीरे एजुकेशन के लिए कुछ कुछ चीजें आती रही। इमिजिएटली इंडिपेंडेंस के बाद कुछ भी नहीं आया था, कुछ साल लग गए थे हर एक चीज को बनाने में, चीजों को देखने में कि एजुकेशन हमारी कंट्री की कैसी है, जो अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ऐसे करके कुछ कुछ पॉलिसीज और कमीशंस आते रहे। तो उनमें से एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आया, तो देखिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसने काफी चेंज किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो पहले से चलता आ रहा था। नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स वर इंक्रीजिंग इन इंडिया। अब इंडिया में जो सेकेंडरी स्कूल्स थे उनको इंक्रीज किया, वो बहुत कम थे कि वो ज्यादा हो पाए, लोगों को सेकेंडरी एजुकेशन मिल पाए स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए स्कूलों का बढ़ाना जरूरी था। तो वैसा हुआ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर। तो ये बात रही। अगला है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस करेंगे। अब देखिए जितनी भी पॉलिसीज कमीशंस आती हैं तो उनके कुछ रिकमेंडेशन जरूर होते हैं, बेसिकली कमीशंस के, पॉलिसीज के फिर भी नहीं इतने। तो कमीशंस के बहुत रिकमेंडेशंस होते हैं, और जब वो कमीशंस के पे ही कोई ना कोई पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाती है उन्हीं के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। तो रिकमेंडेशन हमेशा हर एक कमीशन में लिखने बहुत जरूरी है और इसको मेंशन जरूर करना है। और क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही पूछा जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी। कोई आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि डिस्क्राइब करो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या था या मुदालियर कमीशन क्या था, तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, रिकमेंडेशंस ही पूछी जाएंगी। तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को उसमें शुरू कैसे करोगे, पहले डिस्क्राइब करोगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन क्या है, उसके बारे में बताओगे कौन लाया, क्यों जरूरत हुई उसको लाने की, उसकी इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आप आते हैं रिकमेंडेशंस पर। तो ऐसे ही आंसर को अटेंड करेंगे। द कमीशन हैज डिफाइंड द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो सेकेंडरी एजुकेशन के एम्स को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में। फर्स्ट इज टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, कि एक आइडियल सिटीजन, जैसे आइडियल को हिंदी में बोलते हैं आदर्श, तो जैसे आदर्श सिटीजन होने चाहिए उनको प्रोड्यूस किया जाए, वैसे सिटीजन्स बनाए जाए, लाए जाए। तो बना ही सकते हैं, कहीं और से तो आप सिटीजन्स को ला नहीं सकते हैं। जो एक बच्चा होता है, आप बच्चे के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को, ऐसी आदतों को इनकलकेट करेंगे ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक आदर्श नागरिक बन पाए। तो रीड करेंगे पहले। द कमीशन हैज रियलाइज दैट नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट नेशनल फीलिंग अलोंग विद सोशल फीलिंग। तो इस कमीशन ने ये चीज को समझा कि हर एक इंडिविजुअल में, हर एक नागरिक में अपने नेशन के लिए फीलिंग होना जरूरी है, देशभक्त की फीलिंग होना या देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक फीलिंग होती है वो होनी बहुत जरूरी है। साथ में सोशल फीलिंग, सोशल फीलिंग्स क्या हो गई, सामाजिक फीलिंग्स क्या हुई, जो भाईचारा रहे, सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की मदद करें, तो ऐसी सोशल फीलिंग्स का होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छे देश के लिए, देश की प्रगति प्रगति के लिए, वरना कोई भी देश प्रगति के पाथ पर नहीं चल पाएगा। Therefore, it has laid down that the aim of secondary education should produce such ideal citizens who imbued with strong national and social feeling are prepared to shoulder their responsibilities and duties and can easily offer any sacrifice for the sake of nation. तो लोगों के अंदर और खासकर जो आने वाली जनरेशन है, जो स्कूलों में होती है, उन बच्चों के अंदर नेशनल फीलिंग और सोशल फीलिंग को डेवलप करना
ताकि उनके कंधों पर जब जिम्मेदारी आए देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो वो बखूबी निभा पाए उस ड्यूटी को, जैसे कि सोशल ड्यूटीज जो हमारी होती है, एक आइडियल सिटीजन की, एक आदर्श नागरिक की जो ड्यूटीज होती है उनको निभा पाए। तो ये चीजें बच्चों में डालना बहुत जरूरी है, तो इस चीज पर सेकेंडरी एजुकेशन ने रिकमेंडेशंस दी। आगे बात करेंगे टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। देखिए, पैसे कमाना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसी से ही एक इंसान अपनी लाइफ को जी सकता है एक अच्छे तरीके से। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी कैपेसिटीज को डेवलप करना कि हर एक जन, हर एक इंडिविजुअल अपने लिए पैसे कमा सके। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सेकेंडरी एजुकेशन, कि कोई भी बच्चा जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसको सेकेंडरी एजुकेशन में ये चीज मिले, इतना सिखाया जाए कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अगर वो कोई व्यवसाय चुनना चाहता है और उस व्यवसाय से पैसे भी कमा ले, तो वो चीज सेकेंडरी एजुकेशन तक हर एक इंडिविजुअल को, हर एक जन को सिखाई जाए। नेक्स्ट इज फॉर डेवलपिंग दिस कैपेसिटी, वोकेशनल सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम। तो ये कैसे होगा? जब कोई ना कोई व्यवसाय का सब्जेक्ट, कोई ना कोई व्यवसाय का विषय वोकेशनल सब्जेक्ट करिकुलम में डाला जाएगा। तो कोई व्यवसाय, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, व्यवसाय विषय होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए सेकेंडरी लेवल तक, या एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे, बेसिकली स्कूल लाइफ में। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी हर एक जन के अंदर हो, हर एक इंडिविजुअल में हो, इस पे सेकेंडरी एजुकेशन ने रिकमेंडेशंस दी। सेकेंडरी एजुकेशन शुड डेवलप द क्वालिटी, सेकेंडरी एजुकेशन शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इन स्टूडेंट्स। दिस क्वालिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। लोकतंत्र के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए लीडरशिप की क्वालिटी होना हर एक इंडिविजुअल में इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप के साथ साथ फॉलोवरशिप की भी, देखिए अगर एक जना इंडिविजुअल एक लीडरशिप है तो उसके फॉलोवर्स भी होंगे, तो लीडरशिप के साथ साथ फॉलोइंग की भी कैपेबिलिटी, बिल्कुल हमें क्वालिटी बेसिकली होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात की गई थी। देन टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज, मैन इज सोशल एनिमल। देखिए हमें बिल्कुल पता है एक इंसान सोशल बीइंग होता है, मतलब अगर आप देखेंगे, आप मैं या कोई भी ह्यूमन, हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। समाज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। अब आप देख सकते हैं, अगर छोटी सी, अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं और आपकी स्कूटी, गाड़ी कुछ भी पंचर हो जाती है, तो वहां पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। चाहे वो हेल्प आप, बेशक आप पैसे देकर ही कराते हैं, कोई पंक्चर वाला बुलाते हैं या और कुछ, बट एक क्या है, वो भी एक तरह की हेल्प है। अगर आपको वो काम खुद नहीं आता है, और सोचो वो काम पैसे देकर भी नहीं होगा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके इस किचन में कोई सामान खत्म हो जाता है, लाइक चीनी खत्म हो जाती है और आपको कुछ बनाना होता है खाने का, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? दुकान बंद है, या फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो, लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशंस बहुत आई, तो आप अपने पड़ोसियों के पास जाते हो हेल्प के लिए। तो यही है कि एक सामाजिक लोग हैं हम, हमें समाज की हेल्प की जरूरत भी पड़ती है, समाज के साथ घुल मिल के रहना पड़ता है। वरना आप देखेंगे, इंसान जो सोशली सोशलाइज नहीं हो पाता है लोगों के साथ, वो डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और वो सिचुएशन एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। सो ही शुड हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। तो हर एक इंडिविजुअल में को सोशल, मैन ऑटोमेटिकली सोशल बीइंग तो है ही, तो हर एक इंडिविजुअल में, जन में कोऑपरेशन कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए, डिसिप्लिन हो, ह्यूमैनिटी हो, लव हो, प्यार कर पाए, काइंडनेस हो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हो, भाईचारा हो, तो ये फीलिंग्स होनी बहुत जरूरी है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड ऑल। द करिकुलम मस्ट हैव सब्जेक्ट्स विच मे इनकलकेट दीज वर्च्यूज इन स्टूडेंट्स। तो हमारा जो करिकुलम है उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे भी होने चाहिए जिनके थ्रू हम बच्चों में ये जो आदतें हैं ये डाल पाए। साइंस लिटरेचर
फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड डांस आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो इनके थ्रू डाली जाती है। इनफैक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे, मैं कहूंगी हिंदी और इंग्लिश ही आप ले सकते हैं, उसमें जो कहानियां होती हैं लिटरेचर में, आप उनमें भी देखेंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होती है कि बच्चों के अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज डाली जा सके। और प्राइमरी स्कूल्स में अगर आप देखेंगे, प्राइमरी प्राथमिक कक्षाओं में, तो बच्चों को ये स्पेशली मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है, और बच्चों को स्पेशली हैबिट्स, मॉरल वैल्यूज अच्छे से स्टोरी बेस्ड या किसी भी तरीके से टीचर सिखाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करेंगे न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप 2 या 4 पेजेस में खत्म नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें से इतना सारा अगर आपको याद नहीं होता है तो 6 to 8 points आप मिनिमम लिखें, 6 से 8 points तो कम से कम आप लिखें, हो सके तो आप 10 points मैक्सिमम लिख दें, 10 से ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 7 years, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 7 साल की होनी चाहिए, जो होती भी है। देखिए एलिमेंट प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, देन आपकी सेकेंडरी एजुकेशन आती है, तो ये इसमें बात की गई थी कि सेकेंडरी एजुकेशन एटलीस्ट 7 साल की तो हो। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रेन 11 to 17 years, 11 से 17 साल के बच्चों के लिए हो। तो देखिए यहाँ पे 7 साल की बात कैसे की जा रही है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पैटर्न अब नहीं है, आपको उस समय की बात बताई जा रही है, सेकेंडरी एजुकेशन उस समय का मुदालियर कमीशन जो है उसी के समय के पर्सपेक्टिव से सोचे, आज के पर्सपेक्टिव से ना सोचे। हाँ इनमें से कुछ चीजें आज भी चल रही है तो वो उस टाइम से चली आ रही है, बट चेंजेस भी बहुत सारी चीजों में हुए हैं, तो ये ना सोचे कि अब तो ये नहीं है, हम गलत पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कौन से ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ पे देखिए 3 साल की होती है 6th 7th 8th की एलिमेंट्री एजुकेशन, देन होती है 9th 10th, 2 साल और की होती है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, देन सीनियर सेकेंडरी आती है 11th 12th, जो टोटल हो गए 6 to 12th के आपके 7 years, तो उन 7 years की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन इन शॉर्ट बोला जाता था। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रेन 11 to 17 years, तो बिल्कुल 11 से 17 साल के बच्चों के लिए ये है। इट सजेस्टेड टू एंड, अब देखिए यहाँ पे चेंज भी होता जा रहा है तो उसी पर्सपेक्टिव से सोचें, बट आपको लिखना उसी पर्सपेक्टिव से पड़ेगा 11 to 17 years, आजकल 18 years है अब ये, क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई पर्टिकुलर क्लास है लाइक 10th में अगर एक बच्चा है तो कुछ बच्चे उसमें आपको किसी एज ग्रुप के मिलेंगे, मतलब 1 2 साल का ऊपर नीचे होता है। लाइक 12th किसी बच्चे ने पास की है तो वो कोई बच्चा 17 years में पास कर लेता है, कोई 18 years में कर रहा है, कोई बाई चांस किसी ने कोई क्लास रिपीट की है तो वो 19 years में भी कर रहा है, तो एवरेज 1 2 साल का ऊपर नीचे एक क्लास में होता है। इट सजेस्टेड टू एंड इंटरमीडिएट कॉलेज एंड मर्ज क्लास 11 विद सेकेंडरी स्कूल्स। अब देखिए इसमें क्या बात की गई, इसने सजेस्ट किया कि इंटरमीडिएट कॉलेज को एंड कर दिया जाए और 11th क्लास जो है उसको सेकेंडरी स्कूल्स एंड क्लास 12th को बीए के साथ, मतलब क्लास 11th को आप सेकेंडरी स्कूल के साथ 9th 10th के साथ डाल दो और 12th क्लास को आप डाल दो बीए के साथ। बीए बेसिकली नॉट बीए बीकॉम, जो भी एक उस टाइम पे बीए ज्यादा करते होंगे तो यहाँ पे बीए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, बेसिकली बैचलर्स की जो डिग्री होती है उसके साथ आप क्लास 12th को डाल दो, जो कि माना नहीं गया था, ये सिस्टम आया नहीं कभी, बट इसने रेकमेंड किया था। कमीशन डिवाइडेड सेकेंडरी एजुकेशन इनटू 2 पार्ट्स, तो इस कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, पहला कौन सा हुआ 6th 7th 8th वाला, और दूसरा हो गया 9th 10th 11th वाला जो इस कमीशन ने बात की थी। तो ये रिकमेंडेशंस है, अब रेकमेंडेशन से कमीशन देता है, उनमें से सरकार कितनी रेकमेंडेशन को लेना चाहती है कितनी नहीं वो उस पे डिपेंड करता है। तो हम डिस्कस पहले रेकमेंडेशन या न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो सेकेंडरी एजुकेशन ने दिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिग्री कोर्स शुड बी ऑफ 3 years, और डिग्री कोर्स जो हो वो केवल 3 साल का ही हो।
1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंटर इन यूनिवर्सिटी। देखिए, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो ये 12th क्लास को बोल रहे हैं वो दिया जाए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले, मतलब यूनिवर्सिटी से पहले प्री यूनिवर्सिटी कोर्स 1 साल का ये हो गया। देन स्टूडेंट्स हु पास प्री यूनिवर्सिटी शुड बी अलाउड टू एंटर इन प्रोफेशनल कोर्सेज। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को पास कर लेते हैं उन्हीं को सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने की अनुमति मिले। मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश टू टेक केयर ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो मल्टीपर्पज स्कूल आए जो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाएं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज उस स्कूल के हों। देन टेक्निकल एजुकेशन, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल शुड बी ओपन्ड अलॉन्ग विद सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। देखिए, टेक्नोलॉजी हर टाइम पे विकसित होती रही है, आज भी हो रही है, उस टाइम पे भी हो रही थी। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको उनकी स्थापना करने की आवश्यकता थी, तो इसलिए टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात भी यहाँ की गई। ये भी न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न था सेकेंडरी एजुकेशन का। आगे बात की गई कि सच इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन नियर फैक्ट्री सो दैट द स्टूडेंट्स कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। अब देखिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि टेक्निकल बेस्ड हो उनको फैक्ट्रीज वगैरह के पास, उस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशंस हैं या न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है कि उन जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहाँ पर ओपन किया जाए, फैक्ट्रीज के पास, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी आसानी से ले पाए। देन इंडस्ट्रियल एजुकेशन शुड बी लेवाइड ऑन इंडस्ट्रीज टू फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन। अब देखिए, पैसे की कमी बिल्कुल, हमारे देश को आज़ादी उस वक्त पर मिली ही थी, कुछ ही साल हुए थे, तो इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो बच्चों को दी जाए, जिन स्टूडेंट्स को दी जाए, तो वो उनको फंड कौन करे उस एजुकेशन पे, जो फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन है वो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बेसिकली फाइनेंस करे जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं वो सब, बेसिकली एजुकेशनल टेक्निकल इंडस्ट्रीज। साथ में बात की गई कि अदर टाइप्स ऑफ स्कूल्स भी खोले जाएं, तो इसको जस्ट आप एज अ पॉइंट लिख दें, ज़्यादा इसको आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। देन पब्लिक स्कूल शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड एट सेकेंडरी स्कूल आफ्टर 5 ईयर्स। तो पब्लिक स्कूल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किए जाएँ एज सेकेंडरी स्कूल आफ्टर 5 ईयर। जैसे ही एक पब्लिक स्कूल को 5 साल हो जाए तो उसको सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे ही 5 साल हो जाते हैं। साथ में द बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी प्रोवाइडेड सेम एजुकेशन थ्रू को एजुकेशन। लड़के और लड़कियों को सेम तरह की एजुकेशन दी जाए, को एजुकेशन, साथ में एजुकेशन, बेसिकली कोएड जिसको हम बोलते हैं, दी जाए। बट देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ होम साइंस टीचिंग फॉर गर्ल्स। बट लड़कियों के लिए होम साइंस एजुकेशन का भी प्रावधान बिल्कुल हो, प्रोविजन हो। और वो किस पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है, एज गर्ल्स जो होती हैं उनको हाउस होल्ड वर्क करने पड़ते हैं और उस टाइम पे ये और ज़्यादा था, तो इसलिए। एंड इससे देखिए, होम साइंस को सब सब्जेक्ट जब स्कूलों में रखा गया तो पेरेंट्स भी अपनी लड़कियों को स्कूल ज़्यादा भेजने लगे थे, तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि इसलिए होम साइंस को भी रखा गया था। देन गर्ल्स स्कूल शुड बी ओपन्ड इन द एरियाज वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पे ज़रूरत है जिन एरियाज में लड़कियों के स्पेशल स्कूल्स की, तो वहाँ पे गर्ल्स के भी स्कूल अलग से खोले जाएं। आगे बात करेंगे करिकुलम रिकमेंडेशंस जो कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिर कमीशन के द्वारा दी गई थी। द स्टडी ऑफ सम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वर मेड नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बना दिए गए जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ने आवश्यक थे। बिसाइड्स द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू 7 ग्रुप्स। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनके भी ग्रुप्स बना दिए गए फॉर इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज मैनी ऑफ देयर लाइकिंग एज दे आर डिजायर्ड। तो इसलिए बना दिए गए कि ग्रुप वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ताकि हर एक ग्रुप से बच्चे जो हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, मतलब ग्रुप वाइज जो हैं सब्जेक्ट्स वो पढ़ पाएँ। जब तक ग्रुपिंग नहीं थी तो वो अलग अलग ग्रुप्स में बच्चे, देखा जाता था एक ही ग्रुप से 10-12 सब्जेक्ट्स जो हैं
हैं उन्हीं में से ही एक दो मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रुप सिस्टम से क्या फायदा हुआ, वहाँ से बच्चों को पास चॉइस हो गई और देखा गया कि बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई ज्यादा से ज्यादा टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने की। वो अभी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देन कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं, अब ये डिस्कस करेंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, फर्स्ट इज रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। देखिए इंडिया में हमें पता है अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंग्वेजेस है जिसको हम रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, राज्य अलग अलग स्टेट्स की स्टेट लैंग्वेजेस बेसिकली, या मदर टंग भी आप बोल सकते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो थी उनको भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस दी गई और अ कंबाइंड कोर्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड मदर टंग तो कंपलसरी कर दी गई कि रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो है वो बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई जाए। देन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, इनमें से अब एक लैंग्वेज कोई भी अ क्लासिकल लैंग्वेज, बिसाइड्स हिंदी वन मोर इंडियन लैंग्वेज हो, बिसाइड इंग्लिश बिसाइड हिंदी वन मोर लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज या और कोई लैंग्वेज बच्चा सीख पाए। देन बिसाइड इंग्लिश अनदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश के साथ साथ कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखे, साथ में हिंदी फॉर दो स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज नॉट हिंदी। अब देखिए यहाँ पे जिनके पास हिंदी नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड में ऑटोमेटिकली हिंदी उनको मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें अगर हिंदी है तो आप कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी के अलावा कोई इंडियन लैंग्वेज, अगर यहाँ पे हिंदी है तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वरना कोई फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेजेस का सिस्टम रखा गया। देन थर्ड इज वन ऑफ द फॉलोइंग वोकेशनल सब्जेक्ट, एंड इनमें से कोई ना कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास हो, कारपेंट्री गार्डनिंग प्रिंटिंग दैट इज स्पिनिंग एंड वीविंग एम्ब्रॉयडरी टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी एंड कटिंग एंड स्मिथ। तो ये सब्जेक्ट्स बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्शंस में दिए गए। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या है, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवन ग्रुप, सेवन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हम सेवन के सेवन ग्रुप्स डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी ये अगर आप लिखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपके पास लिखने का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी लर्निंग वगैरह एज सच नहीं करनी है। इट हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी एनी थ्री सब्जेक्ट्स ऑफ ए ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप के थ्री सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी कर दिए गए। द ग्रुप्स एंड देयर सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, साइंस ग्रुप से केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जूलॉजी एंड हाइजीन मैथमेटिक्स ज्योग्राफी। तो देखिए अगर बच्चा इस ग्रुप से सब्जेक्ट्स चुनता है तो कोई भी कितने सब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, इट हैड बीन मेड कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी एनी थ्री सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप, तो मतलब तीन सब्जेक्ट बच्चे को एक ग्रुप के लेने हैं। अगर वो साइंस ग्रुप लेता है तो इन पांचों में से तीन सब्जेक्ट तो लेगा ही लेगा। देन ह्यूमैनिटीज ग्रुप में थे मैथमेटिक्स होम साइंस म्यूजिक ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और सिविक्स। वन लैंग्वेज नॉट टेकन फ्रॉम ग्रुप ऑफ कंपल्सरी लैंग्वेज, अब जो लैंग्वेज बच्चा ले वो क्लासिकल लैंग्वेज ना हो और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे यहाँ पे इन लैंग्वेजेस में से ना हो, उस इनके अलावा कोई अन्य लैंग्वेज हो। देन साइकोलॉजी और लॉजिक, अब इनमें से भी ह्यूमैनिटीज ग्रुप में से भी बच्चा तीन को चुनेगा। ऐसे ही होम साइंस ग्रुप में थे होम नर्सिंग होम इकोनॉमिक्स मेटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर न्यूट्रिशन एंड कुकरी। अब देखिए इस सब्जेक्ट के लिए इस ग्रुप के लिए बहुत ऐसा देखा गया था कि बहुत पेरेंट्स जो थे अपने जो गर्ल्स थी उनको स्कूल भेजते थे, तो ये अट्रैक्टिव ग्रुप आप बोल सकते हो गर्ल एजुकेशन के लिए। तो इनमें से भी तीन ऑप्शंस बिल्कुल चुनने थे। देन कॉमर्स ग्रुप है, यहाँ पे थे कमर्शियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सिविक्स कमर्शियल प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड एंड शॉर्ट राइटिंग देन बुक कीपिंग। नेक्स्ट ग्रुप है टेक्निकल ग्रुप प्रैक्टिकल साइंस एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिमेंट्री ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन एग्रीकल्चरल ग्रुप से बोटानी एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री गार्डनिंग एंड ऑर्चिड कीपिंग जनरल एग्रीकल्चर। देन फाइन आर्ट्स से थे द फॉलोइंग सिक्स सब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर ग्रुप में थे पेंटिंग फोटोग्राफी
ड्राइंग एंड स्केचिंग, डांस, म्यूजिक, हिस्ट्री। तो ये ग्रुप्स जो 7 ग्रुप्स हैं, इनके बारे में भी आप डेफिनेटली ऐसे ही जरूर लिखें। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है और स्ट्रेच नहीं करेंगे हम इस टॉपिक को। अगर आप इतना इस टॉपिक के बारे में लिख देते हैं, इतना अगर आप समझ लेते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो ये हमने कंप्लीट ब्रीफ में पढ़ा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन, जो भी आप इसको बोलना चाहें। सो कोई भी डाउट अगर अब भी आपको हो इस टॉपिक के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, मैं बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज द टेलीग्राम चैनल फॉर नोटिफिकेशंस, एंड थैंक यू।